हाय व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू शाकिर खान फिटनेस। मैं हूं आपका फिटनेस कोच शाकिर खान एंड आई एम हियर टू हेल्प यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर बॉडी, शार्पर माइंड एंड लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आज का जो हमारा वर्कआउट है वो है बैक बाइसेप वर्कआउट। ओके गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्कआउट एंड आई विल मीट यू आफ्टर द वर्कआउट एंड विल डिस्कस अबाउट द वर्कआउट इन डिटेल। ओके, सी यू ऑन द अदर साइड। जा रहा है टाइगर ऑन मिशन दोबारा। जवाब तेरे जलवे हजार, तेरा भी पता है मैं ना मानू कभी हार। तेरी मेरी दुनिया में बेहिसाब प्यार, मैं हूँ एक एंजल और डेविल मेरा यार। तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, जिसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही। परियों की रानी हूँ मैं सबसे हसी, पर तेरे बिना किक मुझे मिलती नहीं। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. Come light my fire, don't let me take it high.
Alright guys, so that was the workout for today where we have hit back and bicep. So आप जैसे कि देख सकते हो कि I have already pumped up my arms, also my back, which you can't see now. But अच्छा वर्कआउट था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है guys, जो रूटीन मैं फॉलो कर रहा हूँ. It's very well programmed by me और बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोग्राम है ये. अभी जो हमारा लास्ट 4 weeks बचा है तो इसमें हम लोग स्प्लिट वर्कआउट कर रहे हैं, एक बिग मसल एक स्मॉल मसल हम लोग ले रहे हैं. तो आज का जो वर्कआउट था वो बैक बाइसेप था. तो बैक में हम लोगों ने, तो एज यू हैव सीन, वी हैव स्टार्टेड विद डेडलिफ्ट विच इज़ अ कोर इन्वॉल्व वर्कआउट, जिसमें आपका कोर ज़्यादा इन्वॉल्व होता है. क्योंकि आपका कोर इनिशियल स्टेज में फ्रेश होता है तो आप कोर बेस्ड वर्कआउट जितने भी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है स्टार्टिंग में कर ले तो आपका स्ट्रेंथ अच्छा होता है, तो आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाते हो. उसके बाद में आपका कोर टायर्ड हो जाता है तो फिर आप आइसोलेशन मूवमेंट्स या स्मॉल मसल के वर्कआउट ऐसे इस तरह से आप लाइनअप कर सकते हो वर्कआउट को. तो डेडलिफ्ट किया हम लोगों ने और मैं 10 टू 12 रेप्स कर रहा हूँ हर एक एक्सरसाइज का. तो डेडलिफ्ट का हम लोगों ने 3 सेट किया. फिर डेडलिफ्ट के बाद में मैंने वाइड ग्रिप पुलअप्स किया है. सो टुडे मैंने डेडलिफ्ट के बाद वाइड ग्रिप पुलअप किया, इसलिए मैं लास्ट के 3-4 रेप्स जो है मैं ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था. तो थोड़ा सा मैंने हेल्प लिया है, टच करके मैंने स्टार्ट किया. थोड़ा सा मैंने आफ्टर आई थिंक 8 रेप के बाद मैंने फ्लोर टच किया था, बट आई हैवन्ट टेकन अ पुश. थोड़ा सा रेस्ट करके 1-2 सेकेंड रेस्ट करके मैंने फिर पुल किया अपने आप को. तो आप भी इस तरह से कर सकते हो. इन्वर्टेड रो किया है उसके बाद में, जिसमें आप बार के नीचे जाके स्क्वाट रैक में बार को प्लेस करके या स्मिथ मशीन में बार के नीचे ग्रिप सुपाइन ग्रिप लिया मैंने, जिसमें आप अंडर द बार ग्रिप जिसे कहते हैं, और क्लोज ग्रिप रखा था मैंने, ज़्यादा वाइड नहीं रखा. क्लोज जब आप सुपाइन ग्रिप लेते हो तो उसे ज़्यादा वाइड नहीं रखना चाहिए, शोल्डर विथ रखना चाहिए ताकि आपका बैक अच्छी तरह से स्क्वीज हो सके. तो मैंने शोल्डर विथ ग्रिप लिया था सुपाइन ग्रिप, और मैंने इन्वर्टेड रो किया है वेयर आई वॉज पुलिंग माई सेल्फ अवे फ्रॉम द फ्लोर. तो इसके भी हम लोगों ने 12 रेप्स किए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज. उसके बाद जो हमारा लास्ट बैक वर्कआउट था वो था रेड डेड फ्लाई के लिए. बेंट ओवर रेड डेड फ्लाई किया मैंने विद द डंबल्स, तो उसके भी 12 रेप्स किए मैंने. और उसके बाद में मैंने आर्म्स का वर्कआउट स्टार्ट कर दिया. तो आई स्टार्टेड टुडे विद द केबल मशीन. एक और टिप आपके लिए, सर्कुलर मूवमेंट जितने भी होते हैं दोज मूवमेंट यू शुड परफॉर्म ऑन केबल, बिकॉज सर्कुलर मूवमेंट में द वेट इज गोइंग, इट्स नॉट गोइंग इन लाइन विद द ग्रेविटी. तो आपका एक पॉइंट पे आके आपका जो रेजिस्टेंस है वो छूट जाता है. तो अगर आप केबल से करोगे तो कॉन्स्टेंटली आपके मसल्स पे टेंशन बना रहता है और आपके मसल्स अच्छी तरह से वर्क होते हैं. तो इसीलिए मैंने जो केबल वर्कआउट किया है, आई स्टार्टेड विद बाइसेप कर्ल. इसमें भी मैंने क्लोज ग्रिप रखा है बाइसेप कर्ल में विद द केबल. आई हैव डन इट, 12 रेप्स रखे हैं मैंने इसके. इट वॉज क्वाइट चैलेंजिंग, वेट भी अच्छा लिया था मैंने. रिवर्स कर्ल किया मैंने उसके बाद में विद द सेम केबल. उसके बाद जो मैंने वर्कआउट किया वो आपने देखा होगा, हैमर कर्ल किया है मैंने ऑन अ इंक्लाइन मशीन, जिसमें मैंने सिर्फ अपना अपर चेस्ट, मैंने सिर्फ चेस्ट को टच रखा है और मैं एक बेंट ओवर पोजीशन में हूँ, सपोर्टेड बेंट ओवर पोजीशन में हूँ. और जो आर्म्स का जो एंगल है वो इस तरह का है, मतलब नॉर्मली आप जब वर्कआउट करते हो तो इस तरह से हैमर कर्ल करते हो, तो ये एंगल, इस एंगल पे आप जब करते हो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट, इट्स मोर चैलेंजिंग एंड इट गिव्स यू थिकनेस. अगर आपको आर्म्स में थिकनेस चाहिए तो ये बहुत ही बढ़िया वर्कआउट है, यू शुड ट्राई दिस आउट. अगर किसी को आर्म्स में थिकनेस चाहिए यू शुड गो फॉर दिस इंक्लाइन हैमर कर्ल, इट्स वेरी गुड. 12 रेप्स कर सकते हो आप, इट शुड बी लास्ट 3 रेप चैलेंजिंग. इसके बाद मैंने कॉन्सेंट्रेटेड केबल से मैंने कॉन्सेंट्रेटेड कर्ल किया है, सिंगल हैंड को मैंने फोकस किया है. तो इसके भी मैंने 12 रेप्स किए हैं ऑन ईच साइड. कॉन्सेंट्रेटेड कर्ल जो मैंने लास्ट में किया, इट इज़ अगेन वेरी गुड वर्कआउट टू गेट द पीक ऑफ योर बाइसेप. आप बैठ के भी कर सकते हो, बट आई प्रेफर केबल स्टैंडिंग. मुझे स्टैंडिंग वर्कआउट ज़्यादा पसंद आते हैं कंपेयर टू सिटिंग डाउन. तो ये था हमारा आज का वर्कआउट गाइज. आई होप यू लव दिस वीडियो एंड यू आर इन्जॉइंग माई वर्कआउट रूटीन्स. अगर आपने अभी तक मेरा वर्कआउट रूटीन ट्राई नहीं किया तो ट्राई करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको फिर पता चलेगा कि कितने अच्छे वर्कआउट है, कितने चैलेंजिंग है एंड हाउ ग्रेट द रिजल्ट्स आर. ऑलराइट गाइज, तो दैट वॉज द वर्कआउट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वर्कआउट. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.